नोटबंदी के बाद किसानों पे क्या कुछ फर्क पड़ा, गांव की जिंदगी कैसे बाधित हुई, ये जानने के लिए कोबरा पोस्ट की टीम गांवों की तरफ बढ़ी तो रास्ते में कोल्हू पड़ा। सोचा कि शायद गन्ने का जूस पी लें और कुछ गुड़ भी टेस्ट कर लें, लेकिन यहां जब रुके तो हालात कुछ और दिखाई दिए। यहां देखा कि एक कोल्हू है बंद पड़ा है, जो गन्ना पड़ा है भारी तादाद में वो सूख रहा है। कई ट्रॉली गन्ना यहाँ पड़ा हुआ है, कई क्विंटल कई टन गन्ना पड़ा हुआ है, लेकिन जस का तस पड़ा है, सूख रहा है। तो शायद देख के लगा कि 15-20 दिन से ये बंद पड़ा है। जहां कभी बहुत लेबर हुआ करती थी, जो गुलजार हुआ करता था, गाने बजते थे और साथ साथ ही साथ दिन रात गुड़ बनने का काम होता था, आज वहां चक्का जाम है। जो कोल्हू के जो पार्ट है उन पे जंग लग चुका है, जो ये दिखा रहे हैं कि शायद नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर इसी कोल्हू पर पड़ा है। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या हाल है। शायद सन्नाटा अपने आप में ये बता रहा है कि अब यहां गुड़ नहीं बनता, और वजह क्या है ये तो हम कोल्हू मालिक से ही जानेंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में गवाह है कि नोटबंदी के बाद जो छोटा किसान है या फिर जो छोटे कारोबार थे उन पे कितना असर पड़ा है। जो एक छोटी कह सकते हैं कि छोटा फैक्ट्री की तरह काम होता था, दिन रात काम होता था, लेकिन आज वो बिल्कुल बंद है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि जो कोल्हू के कढ़ार हैं बड़े बड़े वो सूखे पड़े हैं, जहां कभी गुड़ बनता था वो चाक सूखा पड़ा है, जहां क्रेशर से गन्ने का रस निकलता था वो क्रेशर बंद पड़ा है। तो असर जितना पड़ा है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। खैर, कोल्हू मालिक से बात करते हैं, उनके पास चलते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों बंद पड़ा है, या फिर इसकी वजह कुछ और है, या फिर मेन वजह जो है वो नोटबंदी है। जी बात करते हैं आपसे कि ये आप ही का है। नमस्कार जी। हाँ। जी ये मेरा ही है, मेरा भाई चलाता है। अच्छा, क्या ये किस वजह से आपने बंद करा हुआ है? जी हम जो लेबर को जो हमारे पास जितनी भी लेबर थी सब बिहारी लेबर थी, उनको हम 8-9 हज़ार रुपये पे रखते थे, वे सबको उन पैसा नहीं दे पा रहे, अपने घर पैसा भेजते थे तो वे हमारे हम उनको पैसा नहीं दे पाए। हमने चेक लेने के लिए बोला तो वो चेक भी बोले लाइन में लग के जाना पड़ता है और चेक में भी तो पेमेंट नहीं दे पा रहे, इस वजह से सारे लेबर भाग गए। 15 दिन से गन्ना सूख रहा है। और एक बात और दिखाता हूँ सर, आप हमारे पास आए तो जी बताएं। ये हमारे गांव का ये बिल है बिजली का जी, तो बिजली के बिल पे हमारे केबल वेबिल भी काट गए हैं और 2.5-2.5 लाख, किसी पे 1.5 लाख रुपए, जितने भी कलेसर हैं गांव में, जितने भी कलेसर हैं गांव में, ये सभी कलेसर पे 1.5 लाख की, किसी पे 2 लाख की पर्ची काट चुके हैं। इतना हम कमा भी नहीं पाएंगे जितना हमने बिल इन्होंने हमारा काट दिया। उसके बाद भी हमारे बिजली का बिल, अगर हमने चलो बिजली का बिल भी दे तो बिजली पूरी नहीं आ पाती, 4-5 घंटा बिजली गायब रहती है। अभी मोदी जी से रिक्वेस्ट है, आपसे जानते जैसे जो नोटबंदी का असर हुआ है, आप कोल्हू मालिक है, ठीक है कि आप झेल सकते हैं, जो आपके यहाँ लेबर काम करती थी उसके बारे में बताएं क्या दशा हुई है। जी हम ही नहीं झेल पा रहे तो वो कैसे झेल पाएंगे, हम ही पेमेंट नहीं दे पा रहे, हम पे कोई कर्जे वाले मांग के आ रहे तो हम उनको चेक दे रहे वो भी नहीं ले रहे, बोल रहे चेक से भी नहीं मिल रहा हम। अब आप देखियो हमारे गाँव में जाके बैंक पर तो उसमें ये बोल देते हैं 8 घंटे के बाद कैश खत्म हो गया, और बाजी दफे आप देखो 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपये इकट्ठा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो घोटाला चल रहा है जी इस बात का भी। और बताइए जी और क्या पूछना जी, हम वो बता देंगे, हम तो सीधे साधारण आदमी। अच्छा, जो आपके यहाँ लेबर काम करते हैं कितने लोग काम करते हैं, किस तरह के परिवार से जुड़े थे वो और कैसे वो यहाँ से गए हैं? मेरे यहाँ तरीके बिहार के आदमी काम करते हैं, थोड़े गांव के छोटे बहुत कमजोर तबके के लोग काम करते हैं, और वे यहाँ से बिना मजदूरी देने के कारण यहाँ से चले गए। अब ये करीबन 15 दिन हो गए हैं बंद पड़ा है जी, और हर एक कोल्हू की। अच्छा, जो ये गन्ना आपने इतना स्टॉक किया हुआ है जो इन दिनों अब सूख रहा है, तो कितना एक नुकसान आ जाए, एक अप्रोक्स अमाउंट में बताएं कि और अब इसका क्या होगा? तो इनका मान लो तकरीबन 50,000 रुपये तो हमारा घाटा ये हो गया जी। दूसरा ये बिजली के बिल हर कोल्हू पर 2.5-2.5-1.5 लाख के काट चुके, 2 लाख का ये नुकसान मान लीजिए। किसान हमारे यहाँ गन्ना फेंक के जा रहा है, उन्होंने गेहूँ बोना है जी, मजबूरी में फेंक के जा रहा है कि भाई कैसे करके तुम इसको रख लो, पैसे बाद में आएंगे तो वो भी लेंगे, लेकिन बाद में भी हमें कुछ आसार अभी नज़र नहीं आ रहे। अब हमने खुद ही किसानों से भी कहना पड़ रहा गन्ना मत लाना, ये हालात हम पे पड़ा जी। और रही मोदी जी की, अगर नोटबंदी करना था तो जी बैंक से भी नोटबंदी करवाते, और जी थाने में भी नोटबंदी करवाते, डाकखाने से भी नोटबंदी करवाते, सरकारी भी टीचर होते हैं और टीचरों के जरिए अभी स्कूलों में फोर्स लगा के वहाँ भी नोटबंदी करी, 4 दिन में समस्या हल हो जाती, वो भी नहीं कर पाई। बिल्कुल, कहना इनका यह है कि काफ़ी कुछ हो सकता था, लेकिन क्योंकि प्लानिंग में कमी रही कहीं ना कहीं शायद कुछ ऐसा असर हुआ जो आज यहाँ पे दिखता है। सबसे बड़ी बात है अगर कोल्हू बंद है
तो सिर्फ एक कोलू बंदी है ना, सिर्फ एक कोलू मालिक का नुकसान है, बल्कि ये नुकसान उन किसानों का है जिनका गन्ना यहाँ आता था और गन्ना यहाँ डालने के बाद उन्हें पेमेंट मिलता था, उस पेमेंट से वो अगली बुआई करते थे। इसके अलावा जो लेबर यहाँ पे दिन रात काम करती थी उनकी कमर टूट गई है, वो बहुत परेशान है और परेशानी का सबब देखिए कितना हुआ है कि वो यहाँ से अपनी नौकरी और काम काज छोड़कर वापस बिहार जा चुके हैं। शायद उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि अब परिवार का पेट कैसे भरेंगे। तो ये समस्या की ना सिर्फ एक इंसान की है बल्कि कड़ी दर कड़ी परेशानी बढ़ती जा रही है और इस परेशानी की आखिर कैसे निजात मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन कमलेश कमल के साथ पतला गांव से गौरव सिंह, कोबरा पोस्ट के लिए।